प्रदेश के लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों को मई माह में एरियर्स की तीसरी किस्त मिलनी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। अनेक आरएन एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा जब बिलों को जनरेट किया जा रहा है तो आईएफएमएस के पोर्टल पर ये संदेश प्रसारित होता है कि अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लगभग 1500 करोड़ रुपए का भुगतान प्रदेश की सरकार को तीसरी किस्त के रूप में करना है, जो कि सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। प्रदेश के कर्मचारियों को तीसरी किस्त का भुगतान न होने से 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि किस्त की आधी राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा होनी है और आधी राशि का नगद भुगतान होना है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरी किस्त का भुगतान शीघ्रता से किया जाए, क्योंकि पूर्व से ही महंगाई भत्ता स्थगित होने से कर्मचारी महंगाई की मार झेल रहे हैं।